नमस्कार, ई दिना में आपका स्वागत है। मैं स्वाति और आज चुनावी डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील। वेलकम सुनील। चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है, आज एग्जिट पोल भी आ जाएंगे शाम होते होते। इस चुनावी मौसम में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बने फिर रहे हैं, कुछ सेफोलॉजिस्ट हैं, कुछ इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और सब अपने अपने अनुमान दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, कौन कहाँ बढ़त करेगी, कौन कहाँ घटत होगी जिनकी। तो इस चुनावी मौसम में आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, जो विश्लेषक बने घूम रहे हैं, इनका एनालिसिस कितना डीप एनालिसिस है, इसको कितना सीरियसली हम ले सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर की बात हम अलग रखेंगे, सभी एस्ट्रोलॉजर्स इलेक्शन के टाइम में आ जाते हैं, बट सेफोलॉजिस्ट और इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की बात हम गंभीरता से लेना पड़ेगा। स्पेशली योगेंद्र यादव जैसे नामी सेफोलॉजिस्ट कुछ बता रहे थे, उसके पीछे कुछ तो कुछ होगा, बट फर्स्ट वो क्या बता रहे थे और एंड में वो नंबर क्यों चेंज हुआ, इसके बारे में वो क्या राय रख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उससे पहले सडनली बीच में आकर प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट अपने क्या नंबर दे रहे हैं, उसके लिए कोई उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ डाटा से क्या वो देश को घूमा है क्या, लोगों से मिला है क्या, ये सब सोचने के बाद हमें लग रहा है ये नंबर्स अपने आप एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, एक नरेटिव फिक्स करने के लिए भी हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट है ग्राउंड में कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी नहीं है, ये इलेक्शन मोदी वर्सेस इंडियन पीपल है, ये अलग इलेक्शन है। इस इलेक्शन में ये मुद्दे सामने रखकर हम देखते तो ग्राउंड में कौन क्या काम क्या कर रहा है, ग्राउंड में जर्नलिस्ट कौन क्या कर रहा है और सब क्या बता रहे हैं, वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वाति जी, जी आपने बिल्कुल सही बात की, ये बार बार इस 7 चरण के चुनाव में ये बात बार बार आई है, क्योंकि ये बात बहुत लोग पॉइंट भी कर चुके हैं कि एक्चुअली ये जो आपने दो जो विश्लेषकों ने बात की, उन्होंने बार बार ये बात पॉइंट की है कि क्योंकि कांग्रेस वीक है, उनका केडर नहीं है, उनका केडर वीक है, ये उन्होंने कारण बताए हैं कि ये कारण है कि बीजेपी जीतेगी। ये बात इन चुनावी विश्लेषकों ने गोल कर दी है कि ये चुनाव भाजपा वर्सेस पीपल है, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस का चुनाव नहीं है, लोग लड़ रहे हैं ये चुनाव, तो ये लोगों का जो चुनाव है, ये विश्लेषक जो बात नहीं पकड़ पा रहे हैं वो बातें ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पर जो पत्रकार हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ, जिन्होंने ये चुनावी मौसम बदलते देखा है अपनी आंखों के सामने, तो हमने इन एनालिसिस के पैरेलल हमने जो अपना ग्राउंड रिपोर्ट हम जो लाए हैं वो हमने इन जन संगठनों के एक्टिविस्ट लोगों से बात की है, जिन्होंने ना सिर्फ वो लोगों के साथ इतने सालों से काम करते आए हैं, बल्कि चुनाव में, चुनाव से पहले उन्होंने लोगों के बीच में चुनाव को लेकर जागरूकता तय करने का भी बहुत काम किया है, और उन्होंने इस चुनाव को इस 7 फेज के दौरान ही लोगों का मूड चेंज होते देखा है। तो आइए हम इन लोगों की से ही कुछ बात करते हैं और इनका एनालिसिस देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं मनीष शर्मा, जो कि बनारस के ही हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और बनारस मोदी जी का चुनाव क्षेत्र भी है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यूपी के लिए कुछ बातें शुरू में ही स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि इस बार पहला बार पिछले 14 के बाद पहली बार ऐसा कोई चुनाव हो रहा है जिसमें कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं है, कोई लहर जैसा मसला उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही नहीं है, और अगर ठीक से उसको कहें तो कोई मोदी फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, और यह चुनाव धीरे धीरे आम चुनाव में तब्दील होता गया है। ये बात चुनाव से एक महीना पहले तक ये बात नहीं सोची जा सकती। चुनाव से एक महीना पहले तक न उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे सोच रही थी और न ही खुद बीजेपी ऐसा सोच रही थी, और जिस तरह से 2014 में एक केंद्रीय एजेंडा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी एक चैंपियन के बतौर उभरे थे, उसी तरह 2019 में आप देखेंगे कि एक राष्ट्रवादी उन्माद का लहर था, बालाकोट और पुलवामा का मसला था, और ठीक उसके बाद इस बार ये कोशिश जरूर थी कि राम मंदिर का, आपने देखा होगा जिस तरह से भव्य उद्घाटन किया गया, राम मंदिर को केंद्रीय एजेंडा बनाने की कोशिश थी, और ये एहसास भी था कि राम मंदिर एजेंडा बनेगा, और उत्तर प्रदेश में होने के चलते ये और ज़्यादा
इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार में होना था, लेकिन बहुत जल्दी ये मुद्दा प्रासंगिक हो गया। और केवल राम मंदिर नहीं, बल्कि जितने कम्युनल टेंस के मुद्दे थे, ज्ञानवापी हो, धर्मांतरण कानून हो, या जिस तरह जितने भी कम्युनल टेंस के मसले थे, वो लो लेवल पे चले गए, वो बहुत मुद्दा ही नहीं रह गए। बल्कि मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी मैंने देखा कि जो एंटी जाटव जो माहौल था अन्य दलित जातियों में, जो एंटी यादव जो माहौल था अन्य अति पिछड़ी जातियों में, वहाँ एक भाईचारा दिखा। और जो पूरा दलित और पिछड़े जातियों का एंटी मुस्लिम जो पूरा एक माहौल था, वह पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वो बेहद सकारात्मक रिश्ते में तब्दील हो गया। तो आप इस बात को अगर देखिए, और ठीक बीच के बीच चुनाव में कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं बना, कोई मोदी फैक्टर नहीं रहा, या आम चुनाव में तब्दील होता रहा, लेकिन चौथे पांचवें फेज पर आते आते उत्तर प्रदेश में चुनाव, जैसे अखिल भारतीय स्तर पे सामाजिक न्याय, संविधान और जो है आरक्षण, ये इसके लिए बीजेपी खतरा है। और 400 सीट इसलिए चाहते हैं, ये पूरे देश में हालांकि बना, पूरे उत्तर भारत में हालांकि बना ये मुद्दा, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खास करके पूर्वांचल में, और खास करके पूर्वांचल और ये बिहार और यूपी का जो कह लीजिए कि जो इलाका है, जो सटा हुआ इलाका है, उसमें बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मसला बन गया है। और इसलिए हमको लग रहा है कि पूर्वांचल की 25-26 सीटों पे उत्तर प्रदेश में तो जो संकट है, हर चरण में बीजेपी अपनी सीटें खोती हुई आ रही है, लेकिन ये जो छठवां चरण जो बीता है, इसमें बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को लगने जा रहा है। और सातवां चरण हमको लगता है कि बेहद कह लीजिए कि मोदी सरकार के लिए, भाजपा के लिए बेहद संकट पैदा करने वाला। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में दो जगह के लिए कुछ बातें की जा सकती हैं, कि अगर सीटों के स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 35-40 सीटों पर बेहद टफ लड़ाई है, और ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो है 50 के नीचे आ सकती है। और बिहार की जहाँ तक बात है, और ये जो 50 के नीचे आने वाली जो बात है, उसका सेंटर पॉइंट पूर्वांचल बनने जा रहा है, ये बात मैं आपसे आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कह रहा था कि सामाजिक न्याय और आरक्षण का जो सवाल है, संविधान का जो सवाल है, वो बिहार में बेहद संवेदनशील मसला है। आपने ध्यान दिया होगा भागवत के बयान के बाद बिहार चुनाव में भूचाल आया था, आपने ध्यान दिया होगा अखिल भारतीय स्तर पर जाति जनगणना को नकारा जाता रहा लेकिन बिहार को कराना पड़ा, आपने ध्यान दिया होगा बिहार में जो है कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले पिछड़ा अति पिछड़ा का फार्मूला लेकर के आए। और इसलिए जब इस बार भी संविधान का जो मसला बना है, तो बिहार और ये उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला इलाका है, यह बीजेपी के लिए बेहद संकट लेकर के आने वाला है। और हम समझते हैं कि 4 जून का जो फैसला आने जा रहा है, उसमें बीजेपी अगर पीछे जाती है, बीजेपी सत्ता खोती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्वांचल का इलाका है और बिहार, ये बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। धन्यवाद। मनीष का कहना है कि इस समय पूर्वांचल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है बीजेपी के लिए, और जिसको बीजेपी ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, और ना सिर्फ बीजेपी, सारे चुनावी विश्लेषक सोचते हैं कि इस एरिया में तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बीजेपी का ही है। तो मनीष की जो बात है, ये हम कितना मतलब अविश्वसनीय बात है कि इतना ज़्यादा स्वीप हो रहा है। स्वाति जी, ये इम्पोर्टेंट है, वो ग्राउंड में काम कर रहा है, और चुनाव तो करवट बदल रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। करवट बदल रहा है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो बीच में ऐसे ऐसे नहीं होता। इसीलिए मनीष के बात के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, ये जमीनी मुद्दा है और ज़मीन पर वो काम कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो नंबर का हम स्टिक कर रहा होना चाहिए जी। तो इसके बाद हम एक दक्षिण की एक राज्य में बात करेंगे, जो कि कर्नाटका है। हम कर्नाटका से बोल रहे हैं, सुनील आप भी कर्नाटका से हैं, और कर्नाटका में अभी पिछले साल यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए, जहाँ पे बीजेपी हार गई, बुरी तरह हारी, और आप इस चुनाव में पूरे कर्नाटका में घूमे, चुनाव को आपने बहुत करीब से देखा, चुनाव में जितने भी इनिशिएटिव किए गए, सिविल सोसाइटी का इंटरवेंशन हुआ, ईदिना का भी एक सर्वे हुआ जिसमें 150,000 लोगों के बीच में सर्वे किया गया, तो आप ज़रा उस सर्वे पर रोशनी डालते हुए अपने कुछ अपना कुछ सीटों का अनुमान बताइए।
इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक में लास्ट ईयर में असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस वक्त ईदी ने सर्वे किया था, एग्जैक्टली नंबर आए थे, वही नंबर आए थे, वो क्रेडिबिलिटी ईदी ने के साथ है। इस बार भी इन लोगों ने दो बार सर्वे किया है, प्री पोल सर्वे किया है, एक एक बार कम से कम 50,000 से ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट किया है, उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट सर्वे भी किए हैं, क्योंकि सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद, कुछ मर्डर होने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर भी किया है। टोटल 1,55,000 से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन हुआ है। 1999 के बाद कर्नाटक में पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन तक बीजेपी पार्लियामेंट में आराम आसानी से जीत जाता था, साउथ इंडिया का पूरा कर्नाटक ही बीजेपी का एंट्रेंस था, बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे सर्वे में भी वो दिख रहा है और लोगों के बीच में भी वो दिख रहा है, इन्फ्लेशंस, जॉब लेसनेस, वो सभी लोगों को बहुत बाधित हो रहा है। इसीलिए हमें लगता है हमारा सर्वे का हम डाटा के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस मिनिमम 13-17 सीट जीत जाएगा इस बार। और लास्ट टाइम बीजेपी ने 25 सीट्स जीती थी और उसका साथ ही एक सीट जीती थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इस बार वो नहीं हो जाएगा, 13-15 सीट्स मिनिमम कांग्रेस जीत जाएगा, बाकी सीट और जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन जीत सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज आकनूरी मुरली, आई एम ए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एंड आई एम पार्ट ऑफ जागो तेलंगाना विच इज ए नेटवर्क ऑफ सिविल सोसाइटीज इन तेलंगाना। Assessment is basically like 1 out of 17 consciences in Telangana. One goes to the Hyderabad, goes to MIM, is a Islamic party, and maybe 1 or 2 goes to the BRS, the previous ruling party, and maybe BJP may bag maybe 4 seats, and Bakika maybe around 10 seats may go to Congress. This is our observation. Probably if everything the counting goes smooth and transparent. This is from Hyderabad. Thank you. As far as my state Kerala is concerned, the decision of the people were made right from beginning. I can in some sense be talking both about Kerala and Tamil Nadu, because those are the two states I know very well, and I think these two states would perhaps return all its members to the India Alliance. I do not expect the NDA to get even one seat in these two states. The mood in these two states have not changed right from beginning. It has always been anti-BJP, no to BJP, and very clearly for the coalition partners. In Kerala especially, we see that the main contenders were both part of the India Alliance, and hence whoever wins, we are going to have a strength there in the parliament. In these two states, I don't think the governments there, the state governments have allowed any such untoward incidents as far as EVMs, tamperings, etc. are concerned. I don't think it will happen in these two states, because these two states fortunately are not ruled by the BJP and their coalition. As far as the most important thing is that we always believe that the South would be the one making the statement. Obviously, the southern states have made the statement. They are not going to give the NDA a great space anymore. But then this time, I think it's the northern states that are going to give the biggest drumming to the BJP. I have a feeling that in Bihar, in Uttar Pradesh, in Punjab, in Haryana, the India coalition would make great inroads, unexpected inroads, inroads that the BJP would never have expected. And hence, I see a shift that's happening. That's one of the reasons why I strongly feel that the India Alliance is making it to the power. So, I believe that the coalition, the India coalition, will cross the 272 mark to form the government. तो आपने तो साउथ में भाजपा के एंट्री द्वार पे ही आपने क्लोज ताला लगा दिया है। हमने नहीं लगाया, जनता ने लगाया, खुद अपने आप ने लगाया और जनता उसको मोहर लगा रही है। जी, तो यहीं से आगे बढ़ें, अगर जो बोल रहे हैं कि साउथ और ईस्ट और ये जो तटीय राज्य हैं, कोस्टल एरियाज के जो स्टेट हैं, उसमें आगे जाते जाते ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल में बढ़त मिलेगी बीजेपी को। तो वेस्ट बंगाल से भी हम अगर देखें तो वहाँ पे भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ भी बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीटें मिलेंगी, और पिछली बार के कंपैरिजन में बीजेपी का वहाँ 6 सीट का लॉस होगा। 2019 में भाजपा वहाँ 18 सीटें जीती थी
और बीजेपी का इतना चेस्ट थंपिंग के बावजूद ये देखा जा रहा है कि शायद ममता वहाँ पे भी अपनी मतलब बनाए रखने में अभी भी सक्षम है। टीएमसी को 30 सीट का ये बताया जा रहा है कि 30 सीट्स जीतेंगी टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 30 सीट। कांग्रेस भी 2-3 सीट जीत सकती है वेस्ट बंगाल में और लेफ्ट भी 1 सीट जीत सकती है कि टोटल इंडिया ब्लॉक का 30 सीट हो जाएगा। बीजेपी को क्या उम्मीद थी वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, वो तो ऐसा नहीं लग रहा है। ओडिशा में भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ एनडीए को 10 सीटें जीत सकती है आउट ऑफ टोटल 21 सीट्स। तो ओडिशा में उनको थोड़ा फाइट मिलेगी ऐसा लग रहा है। ओडिशा में वो ज्यादा सीट की उम्मीद थी बीजेपी को जी। नवीन पटनायक और बीजू जनता दल उनके साथ वो गठबंधन करना भी चाहते थे बट लास्ट मिनट में वो कैंसिल हो गया। संबित पात्रा बीजेपी स्पोक्स पर्सन क्या बताया, जगन्नाथ भी मोदी की भक्त है वो, और नवीन पटनायक हेल्थ के बारे में मोदी जी ने क्या बताया, सब होने के बाद बीजेपी का वो चांसेस कम हो गया। सडनली ये लोगों को स्वीकार नहीं होगा, बीजेपी जनता बीजू जनता दल का नंबर ज्यादा हो गया। कांग्रेस इंडिया का इंडियन गठबंधन का उतना ज्यादा नहीं है उधर, एक सीट बीजेडी और बीजेपी फाइट है, एक सीट जीत सकती है उधर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा, बट बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 10 मिलेगा और बीजू जनता दल को 10 मिल जाए। वो बीजू आफ्टर इलेक्शन कहाँ किसके साथ जाते हैं किसी को पता नहीं जी। मध्य प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सुनीलम बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो आइए सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में उनका क्या कहना है। साथियों, पूरा देश 4 जून का इंतज़ार कर रहा है। मैंने 150 जगहों पर दौरा किया है, सभाएं की हैं और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है। 400 तो बहुत दूर है, बहुमत भी हासिल करने के लिए बहुत कठिनाई भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है। इंडिया गठबंधन बहुत स्पष्ट तौर पर बहुमत हासिल करने के लिए जा रहा है। ईवीएम की तमाम सारी गड़बड़ियां हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मुझे लगता है कि 29 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है और 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है। अगर किसी भी तरीके से इस चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश होती है तो उसका प्रतिकार इंडिया गठबंधन की पार्टियों को और इस देश के नागरिक समाज को मिलकर के करना चाहिए। एसकेएम ने लगातार आंदोलन चला करके रखा है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा कर्जा मुक्ति और समर्थन मूल्य की गारंटी प्राप्त होने तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप पूरे देश के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो डीएम हैं, उनके ऊपर इतना दबाव डालिए कि वो चुनाव आयोग के दबाव में ना आए बल्कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझ करके वे निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में चुनाव कराएं। अगर कोई ईवीएम का और डीएम का घोटाला नहीं होता है तो 100% इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अन्यथा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मध्य प्रदेश के बाद हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं संजय पराते जी। संजय पराते भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में बिताया है। तो हम उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या बताते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है आंकड़े। 5 माह पहले छत्तीसगढ़ ने विधानसभा चुनाव में 3.5% मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का भारी बहुमत पाया था, लेकिन 5 माह बाद स्थिति पलटती नजर आ रही है। जो मुद्दे 5 माह पहले कांग्रेस के खिलाफ जा रहे थे, सत्ता में आने के बाद वही मुद्दे भाजपा के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। मसलन आदिवासी क्षेत्रों का मामला है जहां आदिवासी अधिकारों की आवाज़ काफ़ी तेज होते जा रही है। जल जंगल जमीन के सवाल काफ़ी शिद्दत के साथ सामने आ रहे हैं। ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ गया था। दूसरा,
कांग्रेस की हिंदुत्व के प्रति जो नरम नीति थी उसका भी खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन सत्ता में आने के बाद आदिवासियों ने महसूस किया कि कांग्रेस राज के समय में विरोध करने का उनका जो डेमोक्रेटिक स्पेस था वो स्पेस इन 5 माह में भाजपा राज में न केवल खत्म हुआ है बल्कि सलवा जुड़ुम अभियान को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की कोशिश हुई है और बड़े पैमाने पर फेक एनकाउंटर के नाम पर आदिवासियों को इन 5 माह में मारा गया है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो कांग्रेस के खिलाफ चले गए थे 5 माह पहले अब वो भाजपा के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति को सामने रखा है और ऐसे चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारा है जो हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की तुलना में ये काफ़ी कमज़ोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। इस चुनाव में भाजपा ने जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को फोकस करने की कोशिश किया है, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन समूह के एक हिस्से के रूप में उन मुद्दों को सामने रखा है जो देश की जनता के सामने और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने काफ़ी मायने रखते हैं। मसलन बेरोजगारी के सवाल को, महंगाई के सवाल को, गरीबी के सवाल को, पूरे देश में आय और संपत्ति की जो असमानता पैदा हो गई इन 10 सालों में और भाजपा राज में जो लाखों करोड़ रुपयों का जो भ्रष्टाचार हुआ इन 10 सालों में उस पर कांग्रेस ने फोकस किया है और इन मुद्दों पर जनता का काफ़ी समर्थन उसको मिला है और ऐसा लगता है कि 3.5% मतों का अंतर भी यदि यही अंतर कायम रहे तो भी कांग्रेस इस बार पहले की तुलना में पिछले लोकसभा की तुलना में ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुत ही आसानी के साथ कांकेर की सीट, कोरबा की सीट, चापा जांजगीर की सीट, राजनांदगांव की सीट जीत रही है, बस्तर की सीट भी जीत सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में नतीजा भाजपा के 9 और कांग्रेस के 2 थे। इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि ये नतीजा 7-4 या 6-5 के रूप में आम जनता सामने रखेगी। भाजपा को इन चुनाव में पीछे खिसकना पड़ेगा। वैसे पूरे देश के मामले में स्थिति यही है कि हिंदी इलाकों में भाजपा जितनी ऊंचाई पर पिछले बार जा सकती थी जा चुकी है, इस चुनाव में ढलान ही उसके सामने है। भाजपा के पास कोई उपलब्धियां कहने के लिए नहीं है। मटन, मुर्गा, मछली और मुस्लिम पर उसने केंद्रित किया है। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अवतरण चौकीदार से परमात्मा के रूप में हुआ है। आम जनता इस बदलते हुए भाजपा की राजनीति का और व्यक्ति केंद्रित राजनीति का जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदी बेल्ट में भाजपा निश्चित रूप से पीछे पीछे हो रही है, लेकिन इसकी भरपाई दक्षिण से भाजपा कर पाने में संभव नहीं है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलने जा रही है, ये साफ है कि भाजपा इन चुनाव में बहुमत से काफ़ी पीछे रहने जा रही है। छत्तीसगढ़ से संजय पराते, रायपुर। महाराष्ट्र से हमारे साथ निश्चय हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस इलेक्शन के दौरान ऑलमोस्ट करीब 1 साल तक उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी किए और इस चुनावी प्रक्रिया को महाराष्ट्र में बहुत करीब से देखा है। तो हम सुनते हैं कि निश्चय क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 30 से 35 इंडिया आघाड़ी जीतेगी, ऐसा सारे विशेषज्ञों का अंदाज है। हमको लगता है ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता में चुनाव से पहले ही भाजपा के खिलाफ एक काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट था, गुस्से का एक काफ़ी तीव्र माहौल था। इसके कई कारण हैं। महंगाई से जनता पहले से त्रस्त है, खासकर महिलाएं, वो ये बोल के दिखाती है। नौकरियां ना होना, परीक्षा टाइम पे ना होना, रिजल्ट्स में धांधली, पेपर लीक के केसेस, इसके वजह से युवा परेशान है। अग्निवीर के वजह से युवा परेशान है। और सबसे बड़ा फैक्टर किसान। महाराष्ट्र में किसानों को 10 साल में भाजपा की नीतियों के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है।
हजारों आत्महत्याएं हुई है, देश में शायद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है। आयात निर्यात की गलत नीति के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसल के दाम आज कई इलाकों में सोयाबीन और कपास को 2012 और 13 जितने मिल रहे हैं, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लागत का खर्चा इतना बढ़ गया है, और पीक फसल बीमा का पैसा ना मिलना, इन सब कारणों की वजह से किसानों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भाजपा सरकार के ऊपर है। इसका असर कहाँ दिखेगा? विदर्भ में दिखेगा, जहाँ पे किसान काफ़ी क्राइसिस में है। मराठवाड़ा में दिखेगा, जहाँ पे रोज़गार और खेती की वजह से मराठा आरक्षण का मुद्दा जोर पे था, वहाँ पे मराठा आरक्षण आंदोलन जोर पे था। उत्तरी महाराष्ट्र में जो प्याज उगाने वाला पट्टा है, वहाँ पे इसका असर दिखेगा। और जब से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, तब से स्टेट की अंबेडकराइट दलित जनता ये पूरी तरह से एक मत से भाजपा के खिलाफ हो गई है, क्योंकि इससे साफ दिखता है कि 400 पार का मतलब है संविधान बदलना, आरक्षण की नीति खत्म करना। इसके वजह से ओबीसी का भी एक बड़ा सेक्शन भाजपा के खिलाफ जाएगा। आदिवासी पहले से ही इनके खिलाफ गए हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, उसके वजह से। तो जनता का बड़ा सेक्शन पहले से इनके खिलाफ गया है, उसमें और भर भाजपा ने खुद डाली शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर। भले ही कुछ बड़े नेता भाजपा के साथ गए हो, शिवसेना का आम वोटर, एनसीपी का आम वोटर, आम शिवसैनिक, आम कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे जी के साथ, शरद पवार जी के साथ है। और इससे इसके वजह से ये दोनों ही पार्टियाँ, इंडिया अलायंस की पार्टियाँ जीतेंगी ज़्यादा वोट्स और भाजपा का नुकसान होने वाला है। और जो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, उनको ही अपने साथ भाजपा ने ले लिया है। तो उनको सपोर्ट करने वाला, भाजपा को सपोर्ट करने वाला एक जो बेस है, उसका भी एक हिस्सा इनके खिलाफ इस बार जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो गारंटीज़ दी है, चाहे वो महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने की गारंटी हो, या सबसे इम्पोर्टेंट 50% का आरक्षण का मर्यादा हटा के जातिगत जनगणना करके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की हो, इसने कहीं ना कहीं सारे समाज की जनता को छुआ है। धनगर समाज हो, ओबीसी हो, मराठा हो, सबको आशा दिख रही है कि हमारा आरक्षण का मसला हल होने वाला है। तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा, इंडिया आघाड़ी को होगा। कुछ सवाल चुनाव के निष्पक्षता पे ज़रूर उठे हैं, और बीड जैसे इलाकों से कुछ खबरें भी आई है बूथ कैप्चरिंग की, ऐसी एनसीपी शरद पवार ने कंप्लेंट्स भी की है। अब इसके बावजूद ये आसार दिख रहे हैं ग्राउंड से कि भारी मात्रा में सीट्स बीजेपी हारने वाली है। तो 30 से 35 इंडिया जीतेगी, ये अंदाज़ा पूरी तरह से सही हो सकता है, 40 तक भी हो सकता है, क्लीन स्वीप भी हो सकता है। महाराष्ट्र में निश्चय बोल रहे हैं कि करीब 30 से 35 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। ये तो बहुत बढ़त है, कंपेयर टू 2019 में 6 सीटें जीता था इंडिया अलायंस। इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी मार्जिन से आगे लेने के लिए महाराष्ट्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टर्निंग स्टेट हो सकता है। जी, कोई स्विंग स्टेट है तो, इम्पोर्टेंट स्विंग स्टेट है तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है। महाराष्ट्र इज द इम्पोर्टेंट स्विंग से स्विंग स्टेट है। बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में बहुत बड़ी लॉस उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाद आपने स्विंग स्टेट की बात की, इन स्विंग स्टेट्स में से एक स्टेट बिहार भी है, जो लोगों को लग रहा है कि डिसाइसिव रहेगी इस बार। तो बिहार से हमारे साथ संतोष हैं, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं। काफी दिन उन्होंने बिहार में बिताए, चुनाव कैंपेनिंग भी की और लोगों के बीच गए, दलित बस्तियों में गए। उनका हम अनुभव सुनेंगे और उनसे अनुमान लेंगे कि वो कितनी सीट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। हमारा संगठन ग्रामीण मजदूर यूनियन, नरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में रोहतास, कैमूर और काराकाट का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काम करता है। हमने जो पिछले 15-20 दिन के सघन प्रचार अभियान के दौरान जो बातें देखी है ज़मीन पे,
उससे ये पता चलता है कि जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था 2 महीना पहले, तो उस समय बहुत ऐसी हालत थी, लोग इस चुनाव में को लेके बहुत आशान्वित नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीता, अलग अलग मुद्दे को लेके जब चुनाव प्रचार इंडिया गठबंधन ने शुरू किया, खास करके ग्रामीण इलाकों में 400 जो नरेगा मजदूरी की रेट है और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो स्कीम्स है, महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की जो बातें हैं वो बहुत घर कर गई हैं कैंपेन में। और हम लोग अलग अलग गांव में जब भी गए तो इस मुद्दे के प्रति हम लोगों ने काफ़ी कैचमेंट देखा, काफ़ी अट्रैक्शन देखा। दूसरी बात जो बहुत गौर करने वाली दिखी हमें, वो उसमें जो संविधान बदलने का, जो आरक्षण ख़त्म करने का या जो जनतंत्र ख़त्म करने की लड़ाई है, वो बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। हर गांव में हमें लोगों ने बोला कि इस बार हमें जनतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, इस बार हम ये कैंडिडेट नहीं देख रहे कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए है, कौन से पार्टी से खड़ा है, जो भी बीजेपी को हरा सकता है, जिसमें प्रमुखता इंडिया गठबंधन के लोग ही हैं जो लगभग सारे लोकसभा क्षेत्र 543 पे खड़े हैं, उनको हराने के लिए बहुत ही एक साथ लामबंद हुए हैं। पिछले 10 सालों में जो किसानों और मज़दूरों पे जो मार हुई है, खास करके 3 कृषि कानून और जो 4 लेबर कोड है, उसका बहुत ही प्रभाव दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में मजदूर और किसान लगातार इस सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसको लेके लगातार इस कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हमें ये भी देखने को मिला कि जो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको तो हर तरह की सुख सुविधाएं या उनको जो गाड़ी का परमिशन, बैनर लगाने की परमिशन, माइक लगाने की परमिशन, जितनी गाड़ियां चाहें उतने गाड़ियां करने की, नुक्कड़ सभा करने की अनुमति मिल रही है। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको गाड़ी का परमिशन देने में बहुत मुश्किल हो रही है, उनके लिए माइक लगाना, उनके लिए जो प्रॉपर अप्लीकेशंस हैं उस पर बहुत हीला हवाली अफसरों के द्वारा की जा रही है। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि हर जगह अफसर लोग जो चुनाव में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको लगातार परेशान करके उनको डिस्करेज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जो तीसरी बात ये है कि पूरा चुनाव घूमने के बाद, पूरे बिहार के या भोजपुर इलाके में घूमने के बाद, रोहतास, कैमूर, भगवा, बक्सर के इलाकों में घूमने के बाद ये लग रहा है कि लगभग इंडिया गठबंधन 12 से 15 सीट पूरे बिहार में 40 जो सीटें हैं उसमें से निकाल लेगी। और जो लड़ाई 2 महीने पहले तक बहुत ही एकतरफा लगती थी, वो लड़ाई अब बहुत ही कांटे की टक्कर में तब्दील हो गई है। हर जगह इंडिया गठबंधन के लोग लगातार इस बात को, जो उनका चुनाव प्रचार का कैंपेन है, तेजस्वी ने अकेले लगभग 200 से रैलियाँ की हैं, लगातार माले CPIML के गठबंधन के लोग प्रचार में हैं, CPI CPM के लोग साथ में हैं। तो ये जो बहुत अच्छी बात है कि जो सामाजिक न्याय वाली पार्टी थी और कांग्रेस का जो था, उसके साथ साथ जो बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियों, जो तीनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं CPI CPM और CPIML के गठबंधन में आने की वजह से, ये जो पूरा मजदूर, किसान, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो आबादी है वो इस पूरे चुनाव में एक आंदोलन के तौर पे जुड़ी है और बहुत ही दमखम के साथ ये चुनाव जनतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। तो ये हमारा जमीनी आकलन है बिहार में 15 से 20 दिन घूमने के बाद। धन्यवाद। बिहार के बाद हम और कुछ और इम्पॉर्टेंट राज्य हैं उन पे आते हैं, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा ने फर्स्ट हैंड किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है हरियाणा बॉर्डर पे। आपको क्या लगता है कि इस बार पंजाब से भी हमारे पास नंबर्स आए हैं, पंजाब हरियाणा से, आप बताइए, और बताइए कि किसान आंदोलन का असर दिख रहा है कि नहीं? 100% दिख रहा है कि बहुत सारे गांवों में बीजेपी लीडर्स को एंटर होने भी नहीं दे रहे, मुझे मोदी की रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी बहुत पीछे चल रहा है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, दोनों मिलकर 13 सीट में, आउट ऑफ 13 सीट में 11 सीट वही दोनों जीत जाएंगे। दोनों भी जीत जाए तो वो इंडिया ब्लॉक को ही मिलेगा। वो हरियाणा में भी लास्ट टाइम 10 सीट में 10 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार हमने जर्नलिस्ट से भी बात की, एक्टिविस्ट से भी बात की और फॉर्मर लीडर से भी बात की, सभी बता रहे कांग्रेस कम से कम 7 और 8 सीट जीत सकते हैं। इसलिए 7-8 सीट बीजेपी को कम हो जाएगा, सिर्फ वो 2-3 सीट जीतने की औकात में। इसीलिए बहुत सकते हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा
क्या बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ मान सकते थे हम लोग, बहुत सारे सीट जीतते थे वो। पिछली बार पूरा स्वीप किया था दिल्ली में, इस बार हरियाणा में बहुत पीछे जा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल कर दिया, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया, इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, तो दिल्ली से जो नंबर्स हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट और जनसंगठन से हमें मिले हैं, वो है कि इंडिया अलायंस 7 में से 3 से 4 सीट जीत सकता है। बहुत बड़ी नंबर है, क्योंकि ले 2014 और 2019 में 7 और 7 सीट बीजेपी को था। और ये बोला जाता था कि दिल्ली में लोग असेंबली इलेक्शन में आपको करेंगे तो लोकसभा में बीजेपी को करेंगे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, वो सिंपैथी वोट केजरीवाल और कांग्रेस के साथ जा रहा है, और कन्हैया कुमार भी दिल्ली से लड़ रहा लड़ है, वो भी जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा में मेरी भी बात हुई थी, तो हरियाणा में बोल रहे हैं कि अग्निवीर का जो इशू है, हरियाणा से बहुत लोग आर्मी में जाते हैं और अग्निवीर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, 4 साल की नौकरी के लिए क्यों कोई जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह, हमें हर स्टेट में बात करने पे पता चल रहा है, ज्यादा ज्यादा लोग वो लोग इसराइल भी गए हैं काम करने जी, काम जी, हाँ, कर, जी, और हाँ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर वेरी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। हिमाचल में भी बीजेपी 5 को 5 सीट जीते थे, इस बार कंगना रनौत को भी कड़ा किया उधर, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग हारने वाले हैं, कुछ 2-3 चीज कांग्रेस को मिल सकता है। उधर का स्टेट गवर्नमेंट को भी वो लोगों ने खिला दिया था बीजेपी की कोशिश ने, बट पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद वो सब चेंज हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में ये 7 सीट है टोटल, लद्दाख लेकर हम लोग ले लिए तो मिनिमम 4 सीट्स इंडिया ब्लॉक को आ जाएगा, क्योंकि लाइक कश्मीर में 3 और 3 सीट में बीजेपी नहीं लड़ रही है, सिर्फ जम्मू में लड़ रहे हैं 2 जी जी जी। इसके बाद हम उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड को देव भूमि बनाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड से हमारे साथ अजय जोशी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इस चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी शुरुआत से एंड तक इनकी भागीदारी थी, इन्होंने चुनाव प्रोसेस को बहुत करीब से देखा है, तो सुनते हैं अजय जोशी को। उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में हुआ, पूरे देश की तरह चुनाव से पहले यहाँ भी 400 पार का नेगेटिव जिस तरह से था वो हवाओं में था, लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर हुए और कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो हमने देखा कि माहौल बदलने लगा। हम लोग शुरुआत में यहाँ 3 टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम कर रहे थे, हरिद्वार में, नैनीताल उधम सिंह नगर में और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट में, लेकिन कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद पौड़ी की सीट भी एकाएक फाइट में आई। और जब इंडिया गठबंधन ने अग्निवीर वाला मामला यहाँ पर लोगों के बीच में रखा और खास तौर से जो पेपर लीक का मामला था वो यहाँ पर आया, और पिछले वर्ष यहाँ अंकिता भंडारी नाम की एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी और वो भाजपा नेता के एक लड़के के रिजॉर्ट में काम करती थी, वो मुद्दा जब आगे आया तो हमने देखा कि चीजें बदलने लगी और धीरे धीरे बड़ा माहौल बना। और आज तो स्थिति यह है, हमको ये लगता है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन 5 में से 3 सीट्स लेने जा रहा है, और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि ये सीट्स और भी बढ़ जाए, ऐसा हमारा अंदाजा है जितनी हमारी लोगों से बात हुई है। यहाँ बहुत कोशिश हुई चुनाव से पहले, 8 फरवरी को यहाँ नैनीताल उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हल्द्वानी में, मुस्लिम बहुल इलाके में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने के नाम पे मुस्लिम समुदाय के साथ ज्यादती की गई, वो यहाँ एक चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। तो बहुत से ऐसे मुद्दे बने और उसकी वजह से यहाँ काफी हालात बदले और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जबरदस्त मुकाबला रहा है चुनाव में, और हमारा ऐसा अंदाजा है कि यहाँ बीजेपी को इस बार शिकस्त मिलनी चाहिए कई सीट्स पे, और 5 में से 3 सीट इंडिया गठबंधन को यहाँ मिल सकती है, ऐसा हमारा अंदाजा है। उत्तराखंड के बाद हम आगे आते हैं राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात, गुजरात मोदी जी का घर है, अमित शाह की घर है, तो गुजरात से तो ऐसी उम्मीद होती है कि वहाँ पूरा, इतने सालों से हम देख रहे हैं बीजेपी का एक छत्र राज है, इस बार क्या लग रहा है गुजरात में? दोनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोग कैसे अपने क्लीन स्वीप कर रहे थे दोनों इलेक्शन में, 2014 और 2019 में 26 out of 26 गुजरात में जीते थे और राजस्थान में out of 25 जीते थे। इस बार ऐसे नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट रुझान आ रहा है, बीजेपी इज़ गोइंग टू लूज फर्स्ट टाइम इन गुजरात आफ्टर 10 ईयर्स।
कम से कम कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक उधर 3+ सीट जीत सकती है। ये बहुत बड़ी नंबर है क्योंकि लिए होम स्टेट है, समझा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त है, कांग्रेस मुक्त राज्य बोला जा रहा है। होम स्टेट है, होम मिनिस्टर का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी, और इधर इस बार आम आदमी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, ये भी एडवांटेज मिल रहा है। और आदिवासी बहुल एरिया जी 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 उधर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कम से कम 3 सीट गुजरात में आ जाएगा। राजस्थान इज सरप्राइजिंग क्योंकि दोनों इलेक्शन में 25-25 बीजेपी ने जीता था, इस बार भी वो लोग असेंबली इलेक्शन भी जीत लिए थे, बट मिनिस्टर चेंज होने के बाद वसुंधरा राजे को हटाकर उन्होंने नया आदमी को मिनिस्टर बनाया, फर्स्ट टाइम एमएलए को, किसी को पता भी नहीं है राजस्थान का सीएम कौन है, ऐसा हालात हो गया राजस्थान में, इसीलिए उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। और सचिन पायलट इज डूइंग वेल इन राजस्थान, फाइनली हम लोग दे सकते हैं। सभी उधर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट बोल रहे बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, बट मिनिमम नंबर ले लिया तभी 8-12 सीट्स कांग्रेस आसानी से जीत जाएंगे राजस्थान में। ये बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। तो ये इतने जो हमने स्टेट्स कवर किए, तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि जिन पे बीजेपी को और चुनावी विश्लेषक अपना जो सारी आशा लगा रखी थी उन्होंने, उत्तर प्रदेश, बिहार, खास तौर पे पूर्वांचल, और ये जो स्विंग स्टेट्स की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा, इन सब जगह पे बीजेपी की संख्या 1-2 सीट नहीं, कई जगह तो आधी आधी सीट का उन्हें लॉस हो रहा है। वेस्ट बंगाल में इतनी सीटों का लॉस हो रहा है। तो अगर हम फाइनल एक नंबर बोलें, हमारे इस ज़मीनी स्तर के लोगों की जो आवाज़ है, हम इस एग्जिट पोल से हम क्या कहेंगे, हमारा फाइनल नंबर क्या है इंडिया अलायंस और एनडीए को लेकर? जी, ये मेरा नंबर नहीं है, टोटल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट क्या देश भर में येलो कर्नाटक में कैसे काम किया, जागो भारत जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सभी सिविल सोसाइटी मिलकर पूरा देश में काम किया है, वो एक्टिविस्ट का और वो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट का ये नंबर है, फाइनल नंबर है। इंडिया ब्लॉक को कम से कम 250-260 आ जाएंगे और एनडीए को 220-230 तक वो आ जाएंगे। लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या नंबर है, सभी सफोलॉजिस्ट, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट कुछ और बता रहे हैं, वो उल्टा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 260 प्लस मिलने वाला है। एक तो सही है, मोदी मैजिक इस इलेक्शन में नहीं चल रहा है, नॉर्मल इलेक्शन चल रहा है, रोजगार इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये सब मुद्दे सामने आए तो लोगों को ये फील हो रहा है, पिंच हो रहा है। और दो बार हम लोग इनको पूरी मेजॉरिटी दिए थे, वो लोग उसके ऊपर जाने से अलावा मंगलसूत्र, मुस्लिम और मछली, इसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोगों को नाराज़ कर रहे हैं। और अग्निवीर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नाराज़ हो रहे हैं लोग अग्निवीर से, इसीलिए बीजेपी को इस बार सत्ता वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर हम अपने इस ज़मीनी रिपोर्ट को हम अगर जनता की आवाज़ समझें, तो इस रिपोर्ट में क्लियरली जनता ने इंडिया अलायंस को फेवर किया है, इंडिया अलायंस के लिए वोट किया है। और अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर कुछ चेंज दिखेंगे, तो उसके लिए जनता उसके लिए भी तैयार है, या 100% ये हमें दिख रहा है। या, जनता इस बार पार्टियों पे निर्भर नहीं है, या 100% है, क्योंकि लिए एक इलेक्शन ही है, बीजेपी वर्सेस जनता है, जी, जी, जी। वो स्पष्ट दिख रहा है। और हम लोग, हमारा जमीन पर काम कौन कर रहे हैं और एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, उसी के हम बिलीव करते हैं, उन्हीं के नंबर पर हम स्टैंड करते हैं जी। तो इस हमारी रिपोर्ट से अगर आप देख के आपको भी कुछ आकलन मिलेगा, और इसके साथ साथ आप ईदिना से जुड़े रहिए, और इसी तरह की चर्चाएं और विश्लेषण के लिए देखते रहिए ईदिना.com। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।